गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए वो क्लास लेकर के हाजिर हो चुके हैं जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। एयरफोर्स के अक्ष ग्रुप में जो आपको इंटरव्यू के लिए स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका आगे चल करके हम सबसे बड़ा उपयोग लेते हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन और स्पोकन इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें अलग अलग पार्ट होती है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुझे स्पोकन इंग्लिश आती है इसलिए मैं डिस्कशन में भाग ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा डिस्कस करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो यदि आपके पास अवेयरनेस है और टॉपिक का ज्ञान आपके पास है तो आप बोलेंगे ज़रूर, और यदि उसी नॉलेज को आपने इंग्लिश में तैयार किया है तो आप इंग्लिश बोलेंगे। तो हर एक स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्कशन करने से पहले आपके पास टॉपिक का नॉलेज होना ज़रूरी है। टॉपिक के नॉलेज के बाद में आपको अच्छी इंग्लिश, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, तो आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी अच्छी होनी ज़रूरी चाहिए। अब कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में नहीं करते हैं तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आपके पास जितना भी समय है पूरा का पूरा समय आप किस में लगाइए, कम्युनिकेशन करने में लगाइए, लोगों के साथ डिस्कशन करने में लगाइए। जितने अच्छी तरीके से आप लोगों से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो चांसेस बन जाते हैं, पास होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, पास होना बड़ी बात नहीं है, आप एक बार पास भी हो गए तो आगे कम्युनिकेशन तो आपको इंग्लिश में ही करना होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमेशा ऑफिसर्स लाइन के लिए सपने देखते हैं, उन स्टूडेंट्स को कतई उन लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि बस एक बार मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो आप यदि कम्युनिकेशन अपना अच्छा बना रहे हैं तो रोज़ हमारे वीडियोस देखने की आदत डालें। और ग्रुप डिस्कशन का मतलब हो गया आपके जो थॉट्स हैं उनको स्टूडेंट्स के सामने रखना, अपने साथियों के सामने रखना, अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने रखना, उन सब के सामने यदि आप रख पाएंगे तो आप अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। कल के वीडियो में हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिए थे और ये देखा था कि आराम से बोलना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं तो इन टिप्स को आपको यूज़ करना होगा। जैसे ही आप इन टिप्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने लग जाती है। तो आज हम जो सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि फैमिली क्या है, फैमिली कैसे बनती है, फैमिली के टाइप कितने हो जाते हैं और उन टाइप्स के बारे में हम बोलना कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं और वो लेते हैं कि हमारी ये जो फैमिली है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो हम जब भी इस टॉपिक पे बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक जोड़ा होता है जिसमें पहला होता है हस्बैंड और दूसरा होता है वाइफ। अब ये जो हस्बैंड होता है, ये मान लीजिए कि एक बॉय होता है और वाइफ होती है वो एक गर्ल होती है। तो आप ये कह सकते हैं ये मैन होता है और ये वुमेन होती है। अब मैन और वुमेन या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर बॉय एंड गर्ल, ये किसी न किसी एक बंधन से बंधे हुए होते हैं जो हो सकता है मैरिज। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टाइड विथ मैरिटल रिलेशन। तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो मैरिज के बाद में उनका रिलेशन होगा जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। तो आप जब भी कोई रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन दो प्रकार के यहाँ बन जाते हैं, एक तो वो जो मैरिज के साथ बनते हैं और एक जो ब्लड से होते हैं। तो हम सबसे पहले कहते हैं ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं और फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं मैरिटल रिलेशनशिप की। तो देखिए दोस्तों, आप यदि ग्रुप डिस्कशन में बोलना चाहते हैं तो कितने टॉपिक हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लियर होते जा रहे हैं कि आपको बताना था फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में बताने से पहले हमने देखा कि हमारे पास एक ग्रुप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में क्या हो सकता है, वन बॉय एंड वन गर्ल या फिर वन मैन एंड वन वुमेन। अब ये दोनों के दोनों बनते हैं मैरिज या मैरिटल रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप की बात करें तो भी हम कह सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप, द फर्स्ट वन इज मैरिटल रिलेशन एंड सेकेंड वन इज ब्लड रिलेशन। तो इस तरीके से बोलना आसान हुआ। अब बोलने के लिए क्या, आपका इंग्लिश का प्रियर नॉलेज यदि आपके पास है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डियर सर,
आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द गिवन टॉपिक एंड द टॉपिक इज फैमिली. सो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. सो हस्बैंड एंड वाइफ आर टाइड विथ अ मैरिटल रिलेशन. आफ्टर मैरिज दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. सो नाउ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द फैमिली. सो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. तो यहाँ हमारे पास एक टॉपिक और ऐड हो गया और वो हो गया चिल्ड्रन. अब देखिए, यदि इस फैमिली में इतना ही ग्रुप है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. कौन सी फैमिली हो गई? ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली, NUCLER, न्यूक्लियर फैमिली. अब यहाँ चिल्ड्रन है और उनके चिल्ड्रन भी है, तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन. अब बच्चों के भी बच्चे हो गए, मतलब बच्चों की भी शादियाँ हो गई और उनके भी बच्चे हो गए, तो वो जो फैमिली कहलाती है वो कहलाती है जॉइंट फैमिली. तो यहाँ हम बात करेंगे कि अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, एंड अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. सो मोस्टली इन इंडिया वी फाइंड जॉइंट फैमिली. नाउ यहाँ प्लस और माइनस बातें कर सकते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में, या हम प्लस और माइनस बता सकते हैं ब्लड रिलेशन के, यहाँ हम प्लस और माइनस बता सकते हैं मैरिज के. सो जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमसे बोला नहीं जाता, हम ग्रुप डिस्कशन पे जब आते हैं तो हमारे पास टॉपिक कम पड़ जाता है, दो वी हैड बीन गिवन 1 मिनट और 2 मिनट्स, हमें 1 से 2 मिनट दिए जाते हैं बोलने के लिए, और यदि वो भी हम अच्छे ढंग से बोल पाएँ तो हम डिस्कशन में सबसे आगे निकल जाते हैं. तो यहाँ दो प्रकार के ग्रुप हो गए, उन स्टूडेंट्स का ग्रुप जो स्पोकन इंग्लिश किए हुए होते हैं, तो उनको तो कुछ सेंटेंसेस क्रैम्ड किए हुए होते हैं, रटे हुए होते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट जो हमारा कोर्स किए हुए होते हैं, जो क्रैमिफिकेशन के अलग तरीके से उस क्रैमिफिकेशन को हटा करके बोलने की आदत डालते हैं. तो यहाँ यदि आपको मौका मिले तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है और थोड़ा ढीलापन भी नहीं रखना है, और आराम से आप कह सकते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन. तो वहाँ आपके ग्रुप डिस्कशन में लेडीज़ तो होंगी नहीं, ज़्यादातर जेंटलमैन होंगे और आपके सीनियर्स होंगे, तो आप उनको कह सकते हैं सर के हिसाब से, सर बोल करके आप उनको कह सकते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. डियर सर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द गिवन टॉपिक एंड द टॉपिक इज फैमिली. सो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट फैमिली. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ and their children, and they are tied with marital and blood relations. Now let's talk about the types of the family. There are two types of the family. The first one is nuclear family and the second one is joint family. Nuclear family is a group of husband, wife and their children, and the joint family is a group of husband, wife, children and their children, and they are sharing the same kitchen. The family that sharing the same kitchen, that is joint family. And if they are using their own kitchens, then that is a nuclear family. So in cities, mostly we find nuclear families, and in villages, mostly we find joint family. So this is how we can elaborate the topic. इस टॉपिक को और से आगे बढ़ाया जा सकता है, और अच्छा इसके बारे में बोला जा सकता है. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं. तो प्लीज़, मैं मानता हूँ कि यहाँ आपने जो शुरुआत करी है उसको बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए. वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आपको लगे उतनी बार आप देखिए, फिर रिवाइंड करिए, फिर देखिए, और आपका स्पोकन पार्ट यदि सॉलिड हो जाता है तो फिर आप केवल टॉपिक देखिए. अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हैं जिन पर हम स्टार्टिंग से बात कर सकते हैं. अब इस टॉपिक के बारे में आप और बढ़ा करके बोलना चाहते हैं तो यहाँ आप इस टॉपिक को SPELTIR इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं. S का मतलब सोशल, P का मतलब पॉलिटिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल, L का मतलब लीगल, T का मतलब टेक्निकल, I का मतलब इंटरनेशनल और R का मतलब रिलीजियस. तो हमारे पीपल कितने प्रकार के हो सकते हैं, फैमिलीज़ कितने प्रकार की हो सकती है, फैमिलीज़ का इकोनॉमी पे क्या असर होता है, टेक्निकली क्या असर होता है, तो ऐसा करके आप और बोल सकते हैं यदि आपको डिस्कशन में टाइम मिलता है.
तो आप अपना इंट्रोडक्शन देने के तुरंत बाद में किसी भी टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।